यार ये तो फुल दहकता हुआ है। मटके के अंदर बनता है जो तुम पूरा खाना पका के दे देते हो ना, ये बर्गर किस्म का सैंडविच लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, साफ ऑयल में, साफ बंदे से, साफ मोमोज, अच्छी क्वालिटी के, साफ सुथरे खाने हो। जो हार्ड में उसका अपना टेस्ट है, यूनिक है। साल में दोस्तों हम लोग आज मौजूद है बंस रोड कराची पे, और यहाँ आने की हमारी रीजन है कि बड़े दिन हो गए थे, हमने कोई स्ट्रीट फूड को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया था। बंस रोड को बड़े दिनों से कवर नहीं किया था, आज हम बंस रोड कवर करने के लिए रात को 1 बजे आज हम बंस रोड पे मौजूद है, और हम आज आपको यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्टॉल दिखाएंगे। साथ एक लिमका का है, एक उसके बराबर में मोमोज है, साथ गोलगप्पे हैं, और एक कोई सैंडविच है, कोई मैक्सिकन क्या सैंडविच है वो चल के आपको बताता हूँ एग्जैक्टली उसकी डिटेल बताते हैं। तो ये दो तीन जो चीजें हैं ये आपको इस वीडियो में कवर करेंगे, बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा जी, ये भाई हैं सबसे पहले जो कि यहाँ पे मोमोज का मिक्स प्लेटर दे रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। प्लेटर ये बहुत रिवाज शुरू हो गया है, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। कब से यहाँ पे मोमोज सेल कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन यहाँ 6 महीने हो गए, और हुसैनाबाद पे हमारी 1.5 साल हो गए इस ब्रांच को। एक यहाँ पर है, एक हुसैनाबाद पे हमारे। अभी इस ब्रांच के बारे में बताओ कि स्टीम मोमोज हैं या सिर्फ फ्राई मोमो है? सर दोनों हैं। ज्यादा रनिंग में हमारा एक मिक्स प्लेटर चलता है जिसमें हमने सब मर्ज कर दिए, जिसमें एक पीस पेरी पेरी सॉस मोमोज होता है, एक पीस डायनामाइट सॉस मोमोज, एक पीस तंदूरी सॉस मोमोज, एक पीस कुरकुरे मोमोज, एक पीस क्रंची मोमोज और एक पीस स्टीम, मतलब मर्ज हो जाते हैं। स्पाइसी, माइल्ड, टैंगी, क्रिस्पी और स्टीम सब मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाएंगे जी। कितने का प्लेटर है? 450 सर। 450 ओनली। कितने लोगों के लिए? 2% की सर्विंग होती है सर। दो लोग आराम से खा लेंगे इसलिए। हाँ जल्दी से बना दो, जल्दी से हम खा लेते हैं। कुरकुरे मोमोज है, क्रंची मोमोज है, डायनामाइट सॉस मोमोज है। कुरकुरे क्रंची मोमोज, क्रंचीज, डायनामाइट सॉस मोमोज, डायनामाइट सॉस, तंदूरी सॉस मोमोज, तंदूरी सॉस, पेरी पेरी सॉस मोमोज और स्टीम मोमोज। स्टीम मोमो तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, मैं पहले स्टीम खाऊंगा। ये रहा यार, ये तो फुल दहकता हुआ है। मुंह ना जला दे, मुंह जला देगा? नहीं 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 नहीं, गरम है भाई, बहुत गरम है ये। आस्ता आस्ता खाना पड़ेगा, पकड़ के खाते हैं इसको। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मैंने नेपाल में सबसे पहले खाए थे ना, वो मैंने यही खाया था स्टीम। बेस्ट है जो स्टीम वाला है ना, ये अच्छा लग रहा है। अब हम कौन सा ट्राई करें? कुरकुरे, कुरकुरे, कुरकुरे। ये अभी कुरकुरे। अच्छा, मेरा फेवरेट है स्टीम। ये कौन सा? डायनामाइट। डायनामाइट मुझे स्टीम के बाद मुझे डायनामाइट पसंद आया। ये है कितने का? सर ये 450 का प्लेटर। 450 का प्लेटर है जी। दो दो चार दो छह, सिक्स पीस होता सर। सही है। तो भाई ये नंबर वन की बात करेंगे तो भाई मुझे सबसे ज्यादा स्टीम वाला ही पसंद आता है। बाकी सारे भी अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छे साफ तरीके से साफ ऑयल में यहाँ पे बना रहे हैं, बंदे भी साफ लग रहे हैं। तो आपने जब साफ ऑयल में, साफ बंदे से, साफ मोमोज, अच्छी क्वालिटी के, साफ सुथरे खाने हो तो यहाँ आ जाइएगा। आप अगर इस तरफ से आते हैं सदर रीगल की साइड से, तो जिस तरह आप बंस रोड पे एंटर हो रहे होते हैं, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाएंगे। एक एक एंड इसका फ्रेस्को वाला है, एक एंड इसका रीगल साइड वाला। तो रीगल साइड से आएंगे तो ये शुरू में ही खड़े होंगे। पहला ही बल्कि स्टॉल इन्हीं का ही है। तो यहाँ पे आइएगा, आके ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं नहीं सर। कोई नहीं नहीं, कोई अगर रिश्ते की बात कोई करना चाह रहा नहीं, नहीं शादी नहीं करनी? नहीं 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 करनी अभी, नहीं करनी अभी। अभी लड़का कह रहा है मैं कमाऊंगा, क्योंकि काम सही होगा, नाम
अच्छा भाई, अब हम आ गए हैं यहाँ पे लिमका सोडा स्टॉल पे। यहाँ पे मटका लिमका सोडा है, बहुत सारे लिमका मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने काफी अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, अब उस टाइम ये भाई थे नहीं थे मुझे नहीं पता। तो अब क्या यहाँ पे सेल कर रहे हो? सर हम मटका लिमका सेल कर रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। चिली मिर्ची मटका, मिंट मार्केट, रिलैक्सिंग कॉकटेल, दुबई कोलाटा वगैरह, बाकी नॉर्मल फ्लेवर भी हमारे पास होते हैं। इसके अलावा शेक में भी है हमारे पास फ्लेवर, मतलब चॉकलेट मिल्क हो गया, ब्लूबेरी मिल्क हो गया, लस्सी मिल्क हो गया, इस तरह हमारे पास फ्लेवर्स हैं। जब मुझे आज ना मटका तो तुमने दिखा दिया था, ये मटके के अंदर बनता है जो तुम पूरा खाना पका के दे देते हो ना, ये जी नवाब सोडा, इसके अंदर तुम मिर्ची। आज मुझे तुम कुछ सादा लिमका पिलाओ, सादा जो हमारे सादे लोगों के लिए सादा लिमका, सही है ना? उसमें क्या डालोगे? सर मैं आपको लेमन जिंजर ट्राई कराता हूँ। लेमन जिंजर बहुत मजे का डाइजेस्ट फ्लेवर है, हाजमे वाला है। हाजमा हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। करा दो यार आज हाजमा, जल्दी से बनाओ, मैं फिर पीता हूँ। ये भाई लिमका मैंने भाई से बनवा लिया, भाई कहते हैं मटका बनाऊंगा, मैंने कहा मटका वटका मत बनाओ, अभी मटका पीने का टाइम नहीं है और मटका पीने का मेरा दिल भी नहीं है। मेरा इस सादा लिमका पीने का दिल था जो कि है 150 रुपए का। अरे बहुत मजे का है, इससे मैंने एक्स्ट्रा लेमन ऐड करवाया। गर्मियों के अंदर लेमन से जो आपको बूस्ट मिलता है ना, वो आपको किसी चीज से नहीं मिलेगा, किसी कोल्ड ड्रिंक से नहीं मिलेगा, किसी भी और चीज से नहीं मिलेगा। लेमन जूस, सॉल्ट और शुगर, इसका आप बनाएं जूस, आपको मजा ना आए तो कहिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा चीजों के पास, लेकिन ये भी मजे का है भाई। तो ये मिठू यहाँ पे होगा, जब आना मिठू से लिमका पी के जाना। मिठू नाम बताओ? मोहम्मद वकास। हमारे का नाम है नवाब छोड़ाबा। नवाब छोड़ाबा, नवाब कौन है तुम में से? हमारे शहर का नाम है नवाब। नवाब, नवाब कहाँ से हो तुम? नहीं, डेरा नवाब। डेरा नवाब, तो भाई आना यहाँ पे नवाब के पास, मिठू से लिमका पी के जाना। सही भाई, ये हमारा फाइनल फूड स्टॉल है जहाँ पर हम लोग आए हैं भाई के पास, और ये कोई सेल कर रहे हैं टाकोस। टाकोस क्या है? टाकोस ये मैक्सिकन डिश है, मैक्सिकन सैंडविच होते हैं ये। बड़े बर्गर किस्म का सैंडविच लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल। तो बर्गर लोग खा रहे हैं इसको आगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। जी तो क्या चाहते हो ये सैंडविच, तुम क्या समझते हो सैंडविच का तुम्हारा क्या लेवल है? मैं वो तो सर आप ट्राई करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि कितना वो है। चलो फिर बना के खाओ हमें, कौन सा ट्राई कराओगे? जो सबसे फेमस है वही ट्राई कराऊंगा। और ये एक इसमें दो शेल होते हैं, एक क्रिस्पी शेल होता है, एक सॉफ्ट शेल होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस शेल में खाना चाहेंगे, सॉफ्ट शेल में या क्रिस्पी शेल में। मुझे सॉफ्ट चीजें पसंद। सॉफ्ट चीजें पसंद, तो फिर सॉफ्ट शेल में ट्राई कर लें, कोई मसला नहीं। करा दो। भाई ये आ गए हैं भाई के टाकोस, एक ये क्रिस्पी शेल जो भाई ने बोला था क्रिस्पी है, और एक सॉफ्ट है। एक मैंने कहा यार मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो उन्होंने क्रिस्पी बना दिया। उन्होंने कहा दोनों ट्राई कर लें, तो मैं पहले क्रिस्पी ट्राई कर लेता हूँ, फिर मैं सॉफ्ट की तरफ जाता हूँ। इसमें जो सारा गेम है ना वो है सॉसेस, जो सॉसेस इसमें ऐड हुई है ना, कौन सी हुई? दो सॉसेस ऐड किए हैं, चिपोटे और बारबेक्यू, यह बहुत अच्छी है। चिकन फ्रेश है, तो ये जो आपने क्रिस्पी बनाया है ये कितने, 250 का है? जी ये बहुत अच्छा है, ये 200 का है। सॉफ्ट, सॉफ्ट सस्ता है, हार्ड महंगा है? जी क्योंकि हार्ड में जो लॉटरी ना उसकी महंगी है। अच्छा यार दोनों ही मजेदार है, जो हार्ड में उसका अपना टेस्ट है, जरा यूनिक है, ज्यादा अच्छा लगता है। सही कह रहे हैं भाई, ये जो हार्ड में है ना, जो ये क्रिस्पी इसमें है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा यूनिक लग रहा है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, ये बंस रोड कराची है, साथ ही बिल्कुल इसके प्लेटर हाउस भी है, सामने ग्रीन एप्पल भी है, सामने अनवर मटन भी है, इसके सामने ही खड़े हैं भाई। तो रात को कितने बजे आ जाते हैं? सर 8 बजे आते हैं और 2 बजे तक 2:30 बजे तक। रात को 8 बजे आ जाते हैं और दिन में 2:30 बजे तक होते हैं फिर आप। यार ये बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है,
लाजमी एक दफा इसको ट्राई कीजिए। पास है, बेहतरीन है। तो ये एक बंस रोड की एक मुख्तसर सी एक वीडियो थी। मैंने कहा यार एक लोगों के पास चले, उनको थोड़ा इनक्रेज करें, उनको थोड़ा हौसला दें, तो एक मस्ती मजाक में लोगों को हौसला ही मिल जाता है, दुआएं भी मिल जाती हैं, जिन दुआओं की वजह से मैं चल रहा हूँ, हम सब चल रहे हैं। मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ दुआएँ चाहिए और दुआएँ ली नहीं जाती, हमेशा दुआएँ कमाई जाती हैं। तो आप लोग ये दुआएँ कमाएँ ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे। वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।